चौक कुंडली के विषय में हम लोग आज थोड़ा सा जानेंगे। बहुत छोटा सा सवाल पूछा जाएगा कि चौक कुंडल क्या है, वाणी चौक कुंडली। तो पहले भी हम डिस्कशन किए इस पर, चौक क्वाइल, इंडक्टर और सेलेनॉइड, ये तीनों लगभग कंस्ट्रक्शन में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाता है, काम बदल जाता है, नाम बदल जाता है, काम बदलने का प्रभाव नाम पर पड़ता है ना। चौक क्वाइल नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर तांबे के तार के लपेटे से बनी हुई एक व्यवस्था होती है, यंत्र होता है, या एसी धारा के मान को उसके एनर्जी में बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करता है। यानी विद्युत धारा अगर मान लो कि किसी पथ में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उस विद्युत धारा को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अब आप विद्युत धारा एसी वाला, ये बात ध्यान रखना, एसी वाला धारा है, तो उस धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, चौक वायर। और विशेषता क्या रखते हैं, विशेषता रखते हैं कि इस कुंडली का रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो लेकिन रिएक्टेंस हाई होना चाहिए, माने प्रतिघात ज्यादा होना चाहिए और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। प्रतिघात पढ़ा है ना, इंडक्टर का प्रतिघात कितना होता है, इंडक्टर का प्रतिघात या इंडक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, इसका सिंबल क्या होता है, तो इंडक्टर के प्रतिघात का सिंबल होता है एक्स और सूत्र होता है ओमेगा इनटू एल। और इंडक्टर में किसी भी प्रकार के एनर्जी लॉस नहीं होता है, क्योंकि इंडक्टर करता क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है और फिर परिपथ में वापस लौटाता है। एनर्जी किस रूप में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, किस रूप में, कैपेसिटर का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी स्टोर करना और इंडक्टर का काम मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी स्टोर करना, यही तो काम है इसका, बहुत साधारण सा वर्क है। तो चौक क्वाइल आपको होगा क्या, चौक क्वाइल जो होगा वो नर्म लोहे के बेलनाकार क्रोड के ऊपर, आयरन का आपको क्या लेना है, एक फ्रेम ले लेना है बेलनाकार लोहा का, और लोहे के बेलनाकार पात्र के ऊपर इस पर तांबे के तार को लपेटना है, तांबे के तार को क्या करना है, लपेटना है। ये आपका बन गया चौक क्वाइल, लेकिन ध्यान रहे इसको किस स्रोत से जोड़ना है, अल्टरनेटिंग स्रोत से। ये करेगा क्या, धारा के मान को नियंत्रित करेगा, मैंने बहुत ज्यादा धारा अगर बढ़ेगा या बहुत ज्यादा धारा घटेगा तो उसके मान को बहुत तेजी से बढ़ने से या बहुत तेजी से घटने से रोकता है, इंडक्टर का काम भी। या विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करता है, साथ ही एनर्जी लॉस नहीं करता, बड़े मजे की बात है कि आगे लिखोगे, ये आपका जो बेलनाकार आकार में देख रहे हो ये आपका क्या है, आयरन कोर है, क्या है, आयरन कोर, लोहे का कोर है, और ये क्या है, ये क्या है, ये आपका है कॉपर वायर क्वाइल, कॉपर वायर क्वाइल, कॉपर के तार का बना हुआ कुंडली। फेरों की संख्या ज्यादा रखिएगा, जितना ज्यादा रखे उतना ही परफेक्ट। और ए वाला जो नीचे सिंबल देख रहे हो इससे आप लोग बड़ा परिचित हो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स है ना, ये क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ सोर्स, इसका काम है परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा देना, काम क्या है, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा देना। ये पूरी व्यवस्था करेगा क्या,
एथॉक कॉइल का काम क्या होगा, बनावट क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना होगा। तो क्या क्या लिखोगे? लिखना कि चौक क्वाइल, चौक कुंडली, नरम लोहे के बेलनाकार पात्र पर, बेलनाकार पात्र पर नरम लोहा, चौक कुंडली नर्म लोहे के बेलनाकार पात्र पर तांबे की तार के, तांबे के तार के तांबे के तार के सर्पीले आकार में, सर्पीले ए, इसका डेफिनेशन तैयार करना है। चौक कुंडली नर्म लोहे के बेलनाकार पात्र पर तांबे के तार के सर्पीले आकार में लपेटे से बनी हुई एक युक्ति होती है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जिसका प्रयोग अल्टरनेटिंग करंट के मान को बिना ऊर्जा क्षति के नियंत्रित करने का काम करता है, या जिसका प्रयोग अल्टरनेटिंग करंट के मान को बिना ऊर्जा क्षति के नियंत्रित करने में किया जाता है। यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर हुआ है, नियंत्रित करने में किया जाता है। बस ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। चौक कुंडली तांबे के तार के बनी हुई कुंडली है, जो किस पर लपेटा जाता है? नर्म लोहे के प्रोड पर। अब काम क्या करता है? तो अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। क्या इस काम के लिए वह एनर्जी लॉस करता है? तो जवाब देंगे बिल्कुल नहीं, एनर्जी लॉस नहीं करता हो। तांबे की तार की कुंडली जो एनर्जी लॉस ना करे। बनाते हुए किस बात का ध्यान रखते हैं? तो बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि बात को आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। इसका निर्माण इस रूप में किया जाता है कि प्रतिरोध कम से कम रहे और प्रेणिक प्रतिघात ज्यादा से ज्यादा। बस ये दो बातों का ध्यान रखते हैं। ऐसा करने से प्रतिरोध कम से कम रहेगा तो हीट नहीं पैदा करेगा, क्योंकि प्रतिरोध रहेगा तो ना हीट क्रिएट होगा। फॉर्मूला हीट का क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT। अब R हीट लगभग जीरो है तो H लगभग जीरो होगा। तो ध्यान रखना है कि चौक कॉइल बनाते हुए प्रतिरोध कम से कम रखें, लेकिन प्रेरणिक प्रतिघात ज्यादा से ज्यादा हो, XL का मान ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग संदर्भ परिवर्तन करके लिखेंगे कि चौक कुंडली के निर्माण में, चौक कुंडली के निर्माण में, चौक कुंडली के निर्माण में के निर्माण में प्रतिरोध लगभग शून्य रखा जाता है, लगभग शून्य रखा जाता है। प्रेरणिक प्रतिघात,
प्रेरणिक प्रतिघात ऐसे। अरे देखो प्रेरणिक प्रतिघात जब लिख दिए तो एग्जांपल दे दो, एग्जांपल कामान बहुत अधिक रखा जाता है, बहुत अधिक रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। इस तरह से आप इसमें फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला क्या लिखना है? पी एवरेज, पी एवरेज इज ऐसे लिखना है, इसको थोड़ा और ज्यादा स्पेशल बनाइए। पी एवरेज लगभग जीरो, ये कहना क्या चाहता है? पावर कंजर्व इसमें, पावर लॉस इसमें जीरो होगा। कुल मिलाकर अगर पावर का नुकसान देखा जाए, इसमें ऐसा काम किया कि धारा के मान को कम किया, कहीं एनर्जी कम तो नहीं ना किया, तो अगर टोटल मिला जुला के देखा जाए तो कह रहा है कि ना औसत शक्ति इसका लगभग क्या है? जीरो। मैंने एनर्जी खत्म नहीं किया, ये बात लिख देना चाहिए। यह परिपथ में बहने वाली छोटी धारा की माप और उसको होने का पता लगाएगा। ये क्या कहलाएगा? गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर इस पर बात किया जाए, बनावट, तो बनावट की बात किया जाए, स्ट्रक्चर बनावट, तो इसमें आपको बनावट की बात करना है कि क्या होता है। इसमें बेलनाकार नर्म लोहे का कोर होगा, क्या होगा? बेलनाकार नर्म लोहे का कोर होगा। बात पहला, अब इस कोर के ऊपर, इस कोर के ऊपर क्या करना है? तांबे की तार को लपेट देना। कैसे लपेटना है थोड़ा ध्यान से देखिए। समझ पा रहे हो कौन सा हिस्सा दिख रहा है? ऐसे है तो आगे वाला हिस्सा हमने देखा है, ऐसे लपेटा पूरा, लेकिन दिखेगा कौन? ए वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट दिखेगा। समझ रहे हो ना? ये कॉपी लाइए, माइंड में एकदम फिगर ड्रॉ करना चाहिए। ये हमारा बेलनाकार नरम लोहे का क्रोड, इस पर तांबे की तार ऐसे लपेटो तो आपको क्या दिखेगा? इस लाइन पर दिखेगा तांबे का वायर, पीछे तो नहीं देख पाओगे, तो हमने पीछे ड्रो नहीं किया। ये तांबे के वायर इस पर क्या होते हैं? लपेटे हुए रहते हैं ऐसे। अब इस तार के जो दो छोर है, एक लपेटने से पहले अब एक लपेट के बच गया, वो दोनों निकाल के रखा रहता है। एक लपेटते हुए पकड़ के रखे होंगे, अरे एक रस्सी, एक तार का छोर पकड़ के लपेट रहे होंगे, अब एक लपेट के बच गया, दो छोर हो गया। तो तार का दो छोर आपको यहाँ दिखेगा। इसके बाद क्या होता है और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? तो इस व्यवस्था में ध्यान से समझना, इस व्यवस्था में दो मैग्नेटिक पोल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अब मैग्नेटिक पोल पावरफुल लेना, क्या लेना है? पावरफुल मैग्नेटिक पोल। अब मैग्नेटिक पोल लेना है आपको सर्कुलर शेप में या कॉनकेव साइड शेप में।
ये दो को पोल है, मैग्नेटिक पोल है। क्या है? मैग्नेटिक पोल। अच्छा, पोल किस तरह का शेप में है? तो इस तरह का शेप में। क्यों? ऐसा क्यों नहीं रखा गया? ऐसा और ऐसा में फर्क क्या होगा? तो ऐसा करोगे, इसको सामने से देखोगे तो वृत्त जैसा दिखेगा, ऊपर से ऐसे देखोगे तो कैसा दिखेगा? वृत्त जैसा। यानी अगर हम इस पोल की बात करें तो ऊपर साइड में ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखने पर ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ऊपर से देखने में ऐसा दिखेगा, अब किनारे से देखने में ऐसा। ऐसा रखने का बेनिफिट क्या होता है? तो ये पोल जो होता है, यह पोल रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इन नॉर्थ पोल ही साउथ पोल। अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रो होते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में, ध्यान रखना, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में। अब ऐसे बनाओगे कि नॉर्थ से निकला साउथ में, ये डायग्राम आपका गलत हो गया। क्यों? जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये तो काट ना दिया, ये काट दिया तो हमारा मामला बिगड़ गया, ये मामला बिगड़ गया, इसको हटा दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे होगा, ऐसे तो जाएगा लेकिन मुड़ करके नॉर्थ में चला जाएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा मुड़ करके नॉर्थ साउथ में चला जाएगा, ऐसे होगा। आप इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखें तो किस हिस्से पर ज्यादा सिकुड़ा हुआ है? अंदर, एकदम बीच वाले हिस्से में ज्यादा सिकुड़ा हुआ है। जहां पर फील्ड लाइन सिकुड़ता है वहां पर तीव्रता ज्यादा होती है, और जहां पर फैलता है वहां तीव्रता कम होती है। तो कॉनकेव साइड लें, तो कॉनकेव साइड, या फिर इसको आप कह सकते हो सर्कुलर शेप में अगर मैग्नेटिक पोल रखें तो इसका बेनिफिट ये होगा कि बीच वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड तगड़ा प्राप्त होगा। और यही अगर आपने एकदम सपाट लिया, तो इस ऐसा अगर आपने पोल लिया होगा, ऐसा पोल लिया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा निकलता, नॉर्थ से निकल के साउथ में। अब बताओ, इसमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनफॉर्म होता, एक जैसा होता, अब इससे आपको कोई विशेष बेनिफिट नहीं होता। तो पूछा जाएगा, दो अंक के सवाल में ऐसा पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर के निर्माण में चुंबकीय ध्रुव को अवतल आकार में यानी कॉनकेव शेप में क्यों लिया जाता है? तो जवाब देंगे, ऐसा लेने से इसके बीच वाले हिस्से में, यहाँ दोनों पोल है उसके बीच वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, ज्यादा प्रबल, ज्यादा सामर्थ्यवान पैदा होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए कॉनकेव साइड लेना है। कैसा लेना है? कॉनकेव साइड, ठीक है ना। तो बीच बीच में से जो यंत्र का कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं ना, वो आपको परेशान करते हैं। ये मैग्नेटिक पोल होंगे, ये मान लो नॉर्थ पोल, ये मान लो साउथ पोल, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक पोल्स। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक कॉनकेव पोल। कुछ लोग सिलेंड्रिकल बोलेंगे, कुछ लोग स्फेरिकल बोलेंगे, सब सही। मैग्नेटिक कॉनकेव पोल, ये पोल कैसा लेना है? मैग्नेटिक लेना है और कॉनकेव साइड का, यानी बीच में क्या होना चाहिए? फंसा होना चाहिए, दिख रहा है ना, बीच में फंसा हुआ। और क्या करना है आपका? एक मोपिला ऐसे है, आपका एक और नहीं, नर्म लोहे का क्रोड है। अब इस पर आपने ऐसे ऐसे क्या करके रखा है? तांबे की तार को लपेट के रखा है, यानी क्वाइल बना के रखा है। याद रखिएगा, नर्म लोहे और क्वाइल जब आपस में आ जाए तो पूरी व्यवस्था का नाम आर्मेचर हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? आर्मेचर में कौन कौन है? ये नर्म लोहा, अब इस पर लपेटी हुई तार, ये दोनों मिला दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्मेचर। अब इसको आपने किसके अंदर रख दिया? तो मैग्नेटिक कॉनकेव पोल के अंदर रख दिया। ये जो आर्मेचर है वो कौन से फील्ड में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्वाइल भी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। आपको याद होगा
कि क्वाइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और क्वाइल से विद्युत धारा बहेगी तो क्वाइल पर बल नहीं बला घूर्ण लगेगा और रोटेट करेगा। अब आपको याद नहीं है तो हमारी गलती है, हमने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया कि मान लो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिए थे कि मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसमें आपने क्वाइल बना रखा है, ये क्वाइल है और इस क्वाइल से विद्युत धारा पास करा रहे हो ऐसे क्लॉकवाइज, तो इस पर ए वाला हिस्से पर बल नहीं लगेगा क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट की डायरेक्शन एक हो गए। याद आया, जब हम करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखते हैं और विद्युत धारा की दिशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होता है तो बल नहीं लगता है क्योंकि करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला जो बल होता है विल साइन थीटा, क्या होता है या आई एल बी साइन थीटा, पढ़ा है ना, तो इस पर बल नहीं लगेगा, इस पर बल नहीं लगेगा लेकिन ये लंबवत है, ये लंबवत है, इस पर बल लगेगा, तो इस पर बल लगेगा बाहर, इस पर लगेगा अंदर, तो होगा क्या, इस पर बल बाहर लगेगा, इस पर अंदर लगेगा, तो यह ऐसे घूमेगा, ये वाला भाग अंदर भागेगा, ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा, ये वाला हिस्सा बाहर आएगा, यानी रोटेट करेगा। अब कोई चीज रोटेट करता है तो वहां पर टॉर्क को डिफाइन किया जाता है या कपल को डिफाइन किया जाता है, किसको डिफाइन किया जाता है, कोई चीजें रोटेट करता है तो वहां टॉर्क डेवलप होता है, कौन सा डेवलप होता है, टॉर्क। तो अगर इसमें जैसी विद्युत धारा तुमने दिया, जैसी विद्युत धारा दिया तो ये क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, जैसी विद्युत धारा इसमें जाएगा क्वाइल जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर ये रोटेट होगा तो रोटेट होता रहेगा और रोटेट होता रहेगा। अब करना क्या है कि ये जो रोटेशन है इसको लिमिट में बांध देना है, तो इसके लिए क्या करें, एक स्प्रिंग के साथ इसको लटका दें, तो ये रोटेट तो करेगा इसके साथ साथ स्प्रिंग लपटाएगा। अब स्प्रिंग लपटाएगा तो एक लिमिट तक लपटाएगा, ऐसा ना कि पूरा लपेट करके एकदम तोड़ता के लपटाते रहेगा, स्प्रिंग लपटाएगा तो एक लिमिट तक लपटाएगा। तो इसको अगर हम एक स्प्रिंग से बांध दे एक घूमेगा तो कौन लपटाएगा, स्प्रिंग। तो इसको हम लोग करते क्या है, एक स्प्रिंग के साथ लटका देते हैं, स्प्रिंग के साथ क्या कर दिए, लटका दिए। अब यह लिमिट में रोटेट कर पाएगा क्योंकि स्प्रिंग खुद लिमिट में रोटेट कर सकता है, उससे ज्यादा रोटेट किया तो या तो स्प्रिंग और यह आर्मेचर का कनेक्शन भी टूट जाएगा, स्प्रिंग भी टूट जाएगा, तो हमारी व्यवस्था क्या हो जाएगी, खराब। तो इसको हमने क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग आप इस टाइप का भी ले सकते, स्प्रिंग आप इस टाइप का भी ले सकते। अच्छा, स्प्रिंग में इसमें भी ऐंठन उत्पन्न होगा और खींच भी सकते इसमें। जब ऐंठन उत्पन्न होगा तो यहां टॉर्सियन टॉर्क डिफाइंड होगा, कौन सा, टॉर्सियन टॉर्क, नाम याद रखिएगा टॉर्सियन टॉर्क। टॉर्क करता क्या है, घुमाने की कोशिश करता है, क्या करता है, तो बस इसको हमने क्या कर दिया, एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। बनावट को समझना है, ये लग गया स्प्रिंग, अब अच्छा इसमें ऐसे लग गया क्या स्प्रिंग, एक लगा देते हैं नीडिल जो इस पर ऐसे होगा, सुई स्प्रिंग ऐसे और सुई ऐसे, सुइया को ऐसे लगाएंगे, अब इसको घुमाएंगे तो सुई से कोई इंडिकेटिंग पता चलेगा, खुद कल्पना करो ऐसा होगा, लेकिन ऐसे फिक्स करेंगे तो ऐसे घूमेगा ही। तो स्प्रिंग में सुई जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें सुई डिफ्लेक्स करना चाहिए ना, उसमें सुई घूमना चाहिए, तो इसको ऐसे या ऐसे लगा देंगे, अब ऐसे घूमेगा ही तो अपने साथ साथ इसको भी घुमाएगा, सुई को भी घुमाएगा। इस सुई को बोलते हैं पॉइंटर, क्या बोलते हैं पॉइंटर। तो इसमें हम एक सुई लगाएंगे पॉइंटर, पॉइंटर लगा दिए ऐसे, ये लग गया क्या पॉइंटर, पॉइंटर और यह स्प्रिंग
एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंबवत है। ये है स्प्रिंग, अरे है पॉइंटर। ये है स्प्रिंग, अरे है पॉइंटर। चलिए ठीक, आपने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसको थोड़ा हम डिलीट करते हैं, जगह ऊपर लिख लेंगे। स्ट्रक्चर, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर बनावट। लिखना भाई तुमको खुद पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो अपलोड कर देंगे आज वाला, घर पर भी एक बार देख लेना, वीडियो भी अपलोड कर देंगे। बनावट समझ लो और लिखने की प्रयास करो, या लिख लोगे कभी नहीं भूलोगे, गारंटी हम लोग किए हैं इसलिए बता रहे। तो सुई कैसे लग गया, ऐसे ना, अभी सुई घूमेगा तो सुई जिस पर घूमेगा वह एक स्केल होगा। क्या होगा, यहां पर हम एक स्केल लगा रखते हैं, ऐसे स्केल होता है, इस पर क्या होता है तो कुछ नंबर्स लिखे हुए रहेंगे। औपचारिकता है, एक्सेप्ट तो बनाना नहीं है। अब इस स्केल को बोलते हैं सर्कुलर स्केल। स्केल दो प्रकार का होता है, एक लीनियर पैमाना, एक वृत्तीय पैमाना। स्केल जो आप लोग रखते हो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, वो लीनियर स्केल है। अरे कोई चाप जाए तो चाप वन आप लोग बोलते हो कैसा पैमाना है, वो सर्कुलर है। वो कैसा है, सर्कुलर है। तो यहाँ पर ये जो स्केल लगा है इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर स्केल। क्या बोलेंगे, सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल है, और ये जो सुई देख रहे हो ये सुई का नाम है पॉइंटर। क्या नाम है, पॉइंटर। इस सुई का नाम क्या है, पॉइंटर। और ये जो पोल देख रहे हो, इस पोल का नाम मैग्नेटिक कॉनकेव पोल है, या मैग्नेटिक सिलिंड्रिकल पोल है, या मैग्नेटिक सर्कुलर पोल है। कोई सिलिंड्रिकल लिखेगा, कोई सर्कुलर लिखेगा, माथा खराब करके रख ले रहता है, सब एक भाषा थोड़ी ना जानता है। तो यहाँ पर आपको भाषाओं में नहीं फंसना है, चाहे कॉनकेव लिख दो, सर्कुलर लिख दो, सबसे ए बनावट होगी स्ट्रक्चर, यदि इसका बनावट है तो बताइए। और ए वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो, ए में ए वाला जो पीला वाला पार्ट हमने दिखाया है, ये सॉफ्ट आयन कोर है, सिलिंड्रिकल। कैसा है, सिलिंड्रिकल। सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन कोर, कोर को क्रोड भी कर देगा, सॉफ्ट आयरन कोर। सिलिंड्रिकल आकार है, सॉफ्ट आयरन का बना है, इसका नाम कोर है। इसका नाम क्या है, कोर। और ये जो देख रहे हो, ये जो तार का लपेटा है, इसको तो आप भली भांति जानते हैं कि क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाय। क्या बोलते हैं, क्वाय। और क्वाय में बहेगा कौन, धारा। धारा क्या बहेगा, आई। अब काम क्या होगा, स्ट्रक्चर तो ये हो गया, काम बड़ा मजेदार है इसका। जैसी क्वाय में करंट जाएगा, तो क्वाय में करंट जाएगा तो क्वाय घूमेगा, क्वाय घूमेगा तो सुई घूमेगा, और सुई घूमेगा तो किसके ऊपर चलता हुआ नजर आएगा, स्केल के ऊपर। अच्छा क्वाइल तो घूम रहा है, तो क्वाइल पर कौन से बल के कारण घूमेगा, बल से घूमेगा कि बला घूर्ण से, तो जवाब देंगे बला घूर्ण से। बला घूर्ण क्वाइल को क्या करेगा, घुमाएगा, और क्वाइल को घुमाएगा तो सुई भी घूमेगा, सुई भी घूमेगा तो स्केल पर उचलेगा, स्केल पर चलेगा, तो इससे पता चलेगा कि हमारा सुई घूम के कहां तक गया, जहां तक गया वहां का नंबर वैल्यू पढ़ लेंगे, वो दे देगा वैल्यू कि कितना करंट बह रहा है, ठीक है ना। तो ये स्केल है, अब स्केल पर सुई क्या करता है, घूमता है। करंट जैसी क्वाइल में प्रवेश करता है, क्वाइल पर टॉर्क उत्पन्न होती है, और क्वाइल रोटेट करता है, इसी सिद्धांत पर ही काम करता है। यानी अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा जाए, क्या देखा जाए, वर्किंग प्रिंसिपल, तो कौन से कार्य पर है, कौन से सिद्धांत पर काम करेगा। यानी तीसरा पॉइंट होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, प्रिंसिपल। इसका कार्य सिद्धांत क्या है,
इसमें आपको लिखना है सिद्धांत क्या है बताइए। विद्युत धारा गया, बलाखोर ने बनाया, बलाखोर ने क्वाइल को घुमाया, तो इस सिद्धांत पर यही ना बोलेंगे, विद्युत धारा जाएगा, टॉर्क बनाएगा, टॉर्क क्वाइल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल यानी इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो है टॉर्क ऑन करेंट केयरिंग क्वाइल संकाय बदल टॉर्क ऑन करेंट केयरिंग क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी लिख देंगे, हिंदी बोल देंगे, जब हम इसको वीडियो अपलोड करेंगे ना तो नीचे हिंदी भी चलेगा, टेंशन मत लो, बड़ा स्मूथ भी दिखाता है इसलिए लिख देते हैं। टॉर्क ऑन करेंट केयरिंग क्वाइल, करेंट केयरिंग क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो क्वाइल को विद्युत धारा दो और इसे रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, घूमेगा, इसी सिद्धांत पर काम करेगा, इसी सिद्धांत पर क्या करता है, काम करेगा। अब क्यों घूमेगा, याद रखना है टॉर्क ऑन क्वाइल क्वाइल पर जो टॉर्क होगा इसको टाउ क्वाइल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टाउ क्वाइल। क्वाइल पर जो टॉर्क बनेगा वो कितना बनेगा बता दीजिए, एन आई ए टी, कितना बनेगा, एन आई ए टी, यानी साफ है कि जितना ज्यादा फीलों की संख्या बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा टॉर्क बढ़ेगा, जितना ज्यादा धारा बहाइएगा उतना ज्यादा टॉर्क बढ़ेगा, जितना बड़ा एरिया रखिएगा उतना ही ज्यादा टॉर्क बनेगा, और जितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही टॉर्क बनेगा। बात समझ में आ गई, ये टॉर्क मैक्सिमम होगा, कैसा होगा, अगर नॉर्मल टॉर्क देखा जाए तो एन आई ए बी साइन थीटा लिखना चाहिए, लेकिन साइन थीटा हम हटा दिए। अब हटाने का रीजन क्या बताए, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना है। अच्छा, क्वाइल जब रोटेट करेगा तो टॉर्क बनाएगा एन आई ए बी, अब स्प्रिंग जब घूमेगा मोड़ क्या नाम होगा, टॉर्सियन टॉर्क। तो स्प्रिंग के एडिशन से टॉर्क इन स्प्रिंग स्प्रिंग में टॉर्क कितना पैदा होगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टाउ स्प्रिंग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टाउ स्प्रिंग लिख रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि स्प्रिंग में टॉर्क कितना होगा, फिर ए आएगा के इंटू थीटा, क्या आएगा, अभी कहां से थीटा कौन आ गया, ध्यान से समझना, स्प्रिंग कोई चीज उठाता है या घूमता है तो एंगुलर चेंज होता है। अब जैसे मान लो कि यही स्प्रिंग है मेरा, अब इसको हम हाइट रहे हैं, हाइट रहे तो कितना हाइट है पता चल रहा है क्या, लेकिन इस पर एक पॉइंटर लगा दें आप बैठेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हाइट में पता चल रहा है, ये हटा दे तो पता नहीं चल रहा है। तो बताओ ये जब उठा रहा है तो कौन बदल रहा है, क्या बदल रहा है, एंगल चेंज हो रहा है ना, जितना ज्यादा एंगल चेंज होगा उतना ही टॉर्क स्प्रिंग में पैदा होगा, यानी टॉर्क स्प्रिंग में जो होगा वो समानुपाती होगा थीटा का, और समानुपाती हटाएंगे क्या लगाएंगे, इस कांस्टेंट को टॉर्सियन कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, टॉर्सियन कांस्टेंट, याद रखना है, के को हम क्या कहते हैं, टॉर्सियन
फॉर्म स्टेटमेंट। नाम याद रखना है इसका, इस कांस्टेंट का नाम क्या है? टॉर्सियन कांस्टेंट। दोनों में फर्क क्या होगा? ए टॉर्क अगर क्वाइल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ए टॉर्क क्वाइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तब ना मूल पोजीशन दे सकता है। एक घुमाना चाहेगा ऐसे, मान लो विद्युत धारा से क्वाइल घुमा ऐसे तो लपटा गया स्प्रिंग लपटा गया। अब जब विद्युत धारा जाएगा तो लपेटा जो ऐसे बना है वो खुलेगा तो घूम जाएगा ऐसे, उल्टा घूम जाएगा। यानी दोनों टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें तो ये मेंशन करना जरूरी है कि इसमें टॉर्क अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ये सिंपल जरूरी है, एक टॉर्क क्लॉकवाइज तो दूसरा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे चक्कर में होगा क्या? अब जरा बताओ, ध्यान से समझना है। अभी दोनों टॉर्क को क्लियर हो गया कि दो गो टॉर्क पैदा होगा, एक घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, दूसरा घुमाना चाहेगा। तो बताइए, ये मान लीजिए सुई विद्युत धारा जाने से घूम रहा था इधर, और विद्युत धारा आन खत्म हो गया तो घूम जाएगा इधर। जिस वक्त ये लपटाएगा, अगर मान लो कि सुई जिस जगह पर रुक गया तो हम कह सकते हैं कि जितना टॉर्क आगे है उतना ही टॉर्क पीछे है। यानी जितना टॉर्क क्लॉकवाइज है उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉक। अगर दोनों टॉर्क बराबर हो, विपरीत डायरेक्शन में हो जाए तो नीडिल को ना तो आगे बढ़ने देगा और ना नीडिल को पीछे, वहां पर वो नीडिल को रोक देगा। और जब नीडिल रुकेगा यानी पॉइंटर यानी सुई रुकेगा तो रीडिंग देगा, पढ़ेंगे उसका वैल्यू पढ़ेंगे कि कहां पर उकल है वहां पर कितना दिखल है। तो जब रीडिंग होती है यानी जब पढ़ा जाता है उस वक्त कॉइल का टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। क्या हो जाते हैं? बराबर। अब बराबर होते ही सुई रुक जाती है, और सुई रुकेगी तो वैल्यू बताएंगे। अब ऐसे ऐसे घूमते रहेगा तो पता चलेगा कि कहां कितना करंट बह रहा है, कहीं रुके तब ना पढ़े। तो सुई अगर ऐसे ऐसे घूमते रहेगा तो पढ़ पाओगे? रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए स्प्रिंग का टॉर्क और क्वाइल का टॉर्क आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो आगे क्या होगा? रीडिंग के लिए क्या संभव है? जब रीडिंग होता है क्या होता है? ड्यूरिंग रीडिंग। रीडिंग का मतलब देखना पढ़ना, मैंने हमें पता करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ड्यूरिंग रीडिंग, रीडिंग के दौरान टॉर्क ऑफ क्वाइल बराबर हो जाएगा टॉर्क ऑफ स्प्रिंग। ये बात ध्यान रखना, क्वाइल का टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो क्वाइल का टॉर्क तो तुम जानते ही हो कितना होता है, एन आई ए पी होता है ना। अब यहां बताओ स्प्रिंग का टॉर्क के थीटा, तो थीटा बराबर कितना लिख सकते हो? थीटा बराबर कितना लिख सकते हो? a i a b और बटा कितना k। अब ध्यान से देखिए, n फेरो की संख्या कांस्टेंट, i विद्युत धारा हम मनमर्जी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ए एरिया क्वाइल का कांस्टेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और के भी कांस्टेंट, तो कौन कौन कांस्टेंट हो गया? तो थीटा बराबर हमारे पास जो कांस्टेंट राशि उसको एक साथ रखो, तो कांस्टेंट राशि कौन कौन है? एन है, ए है, बी है, और कौन है? के है। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। और सामने क्या है? इस कांस्टेंट को ही सेंसिटिविटी का, और इस कांस्टेंट को एस द्वारा दिखाएंगे। किसके द्वारा दिखाएंगे? एस द्वारा। अब एस इनटू आई, तो यहां से आप एस बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं थीटा बटा में क्या आई, एस बराबर थीटा बटा में।
यहाँ से फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, s बराबर थीटा बटा में i, और इस s को सेंसिटिविटी कहा जाता है, संवेदनशीलता कहा जाता है। अब यह दर्शा रहा है कि जितना करंट कम रहेगा उतना ही सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, यानी जितना हो सके कि कम करंट पर एंगल बने, थोड़ा सा भी करंट दे और सुई घूमे तो उतना ही तगड़ा सेंसिटिविटी वाला गैल्वेनोमीटर बना रखते हो। यानी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए करंट की जो रेंज है वो क्या रखा जाएगा, कम की ज्यादा, कम ऐसा बनाए कि सेंसिटिविटी ज्यादा रखे तो करंट कम पर ही वह रीडिंग देना शुरू कर दे। एस का मान एक और याद रखना है, एस का मान ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, एन ए बी अबटा में कितना ए। अब ध्यान से सुनिए, इसमें भी एक कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए है, जगह जगह पर हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव को निचोड़ेंगे। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए फेरों की संख्या ज्यादा रखना चाहिए, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा रखना चाहिए, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रखना चाहिए, और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए के का मान कम रखना चाहिए, यानी टॉर्सियन कांस्टेंट कम होना चाहिए। अब स्प्रिंग का टॉर्सियन कांस्टेंट कम है कि ज्यादा कैसे पहचानेंगे, तो स्प्रिंग आसानी से लपटा रहा है तो कम है, और कठिनाई हो रहा लपेटने में तो ज्यादा है। तो स्प्रिंग कैसा लेंगे, ऐसा लेंगे कि जितना आसानी से वो रोटेट कर जाए, जितना आसानी से लपेटा खा जाए, वो जितना आसानी से रोटेट हो रहा है मान लेना कि उसका उतना ही कम है, और के का मान कम है तो संवेदनशीलता ज्यादा। अगर आपने स्प्रिंग हार्ड ले लिया तो के का मान ज्यादा हो जाएगा, अब के का मान ज्यादा हो जाएगा तो ऐठन जल्दी नहीं खाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी, तगड़ा करंट की जरूरत पड़ेगी जो प्रॉब्लम करेगी। तो हम लोग के को कम रखते हैं, स्प्रिंग नियतांक के रूप में जो यहाँ टॉर्सियन कांस्टेंट आ रहा है यह कमजोर होना चाहिए, तब जाकर के सेंसिटिविटी अच्छी मिलेगी, यानी एक आदर्श गैल्वेनोमीटर अपना सकते। हो गया गैल्वेनोमीटर, किसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनो। बात समाप्त हो।